चैत्र नवरात्र के अवसर पर विश्रामपुर के ऐतिहासिक पंचमुखी मंदिर प्रांगण में रामनवमी पूजा समिति व बजरंग दल द्वारा आयोजित संगीतमय राम कथा के 8वें दिन मानस कोकिला साध्वी चंद्रकला ने कहा कि जीवात्मा व परमात्मा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जीवात्मा सुख में खुश व दुख में दुखी हो जाता है, जबकि परमात्मा सुख व दुख से परे होते हैं। साध्वी चंद्रकला ने भरत जैसे भाई व सेवरी के प्रसंग का बहुत ही बेहतरीन चरित्र चित्रण किया। प्रवचन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के जिला प्रतिनिधि रामचंद्र यादव, विधायक प्रतिनिधि वीर सवारी, वरीय भाजपा नेता डॉक्टर डीपी शुक्ला, पार्षद पूनम देवी, सुनील कुमार चौधरी, रंजीता देवी, शंकर केसरी, बजरंग दल के जिला सह संयोजक पंकज कुमार लाल, राजकुमार मेहता, अमित कुमार चौधरी, सत्यम कुमार सोनी, देव कुमार ठाकुर, व्यास, रघुपति तिवारी, सोनू तिवारी, मनीष दुबे, शशिकांत ठाकुर, अजीत कुमार चंद्रवंशी, अजितानंद पांडे, सैकड़ों श्रद्धालु पंडाल में मौजूद रहे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि रामचरितमानस विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने जगत के हर प्राणी के कल्याणार्थ रामायण की रचना की है। तुलसीदास ने मानस में वर्णित राम कथा के जरिए मानव को सद्गुण व दुर्गुण के बारे में बताया है। मानस मानव को सद्गुणों को अपनाने व दुर्गुणों को त्याग करने का प्रेरणा देता है। कलयुग में तो राम का कथा अमृत के समान है। कथा सद्गुण और मानस है और भी आदर्शों में लेकर हर एक मानव को उतारना चाहिए। वह मानव के रूप में आए थे और मानव के रूप में आए थे इसलिए बताया कि मानव को किसी भी परिस्थिति में रहना चाहिए। जैसे उन्होंने बन गए आपको रावण से लड़ाई किया, वो अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार किया, भाई के साथ कैसा किया, माता के साथ कैसा किया, सारा चीज को हम लोग को चरित्र चित्रण करनी चाहिए। तो यही है रामायण। बैठे हुए हमारे बच्चियां बैठी हुई हैं और आप लोग भी बैठे हुए हैं। आत्मा और परमात्मा में अंतर मैं बताना चाहता हूं। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? आत्मा जो है परमात्मा का एक क्रम होता है और जब आत्मा मरती है तो परमात्मा में विलीन होता है। यानी समुद्र को आप परमात्मा मान लीजिए, एक लोटा पानी को आप निकालती है वही आत्मा है और जब पानी गिरता है तो मिलता है समुद्र में तो परमात्मा मिलता है। इसलिए मानव जो आप हम सबको है, बाकी सभी भगवान के अंश हैं। आप नहीं जानते हैं कि वह कब समय आएगा कि आपके मुख से क्या निकल जाएगा। अगर आप कहते हैं कि हम तंत्र ऋषि और मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।